सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की तरफ। राष्ट्रपति का चश्मा बचाने को लगाए 6 लंगूर, प्रशासन को था डर कहीं बंदर महामहिम और मेहमानों को नुकसान न पहुंचा दे। आगरा में घर में चोरी कर ले गए ब्रांडेड साइकिल, जानकारी देने वाले के लिए रखा गया 2100 रुपए का इनाम, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी। गोरखपुर चिड़ियाघर में ब्रीडिंग कर रही टिठरी, रामगढ़ताल झील छोड़ पक्षियों ने बदला ठिकाना। एटा में डीजे पर मनपसंद गाना बजाने को लेकर भिड़े बाराती घराती, दोनों पक्षों के 12 लोग घायल, 25 लोगों पर मुकदमा। प्रयागराज में डबल मर्डर, पत्नी की बेवफाई से आहत पति ने लगाई फांसी, भीड़ ने प्रेमी को पीट कर हत्या कर दी। अयोध्या में साइकिल स्टैंड संचालक का मर्डर, भाई ने कहा 2 दिन पहले स्टैंड में मारपीट करने वालों ने किया कत्ल। बदायूं में घूसखोर लेखपाल नानक चंद्र पाठक सस्पेंड, एसडीएम की रिपोर्ट पर डीएम ने की कार्रवाई। वाराणसी मंदिरों से हटाई जाए साईं बाबा की प्रतिमा, मंदिर के पूर्व महंत बोले वो चांद मियां थे। फरुखाबाद के लोहिया अस्पताल में 2 दिनों में 2 मारपीट की घटनाएं आई सामने, अस्पताल पहुंचाया सीएमएस से ली जानकारी। सुल्तानपुर में सांप से टकराकर पलटी बस, ससुर के शव का अंतिम संस्कार करने जा रहा था दामाद और चालक की मौत। कानपुर हिंसा की जांच कर रही एसआईटी भंग, आरोपों से घिरी थी एसआईटी। बागपत से तस्करी कर बंगाल ले जाए जा रहे ऊंट, दिल्ली के एनजीओ की पहल पर हुआ खुलासा। अमेठी में पीड़ित का 2 बार शांति भंग में किया चालान, दबंगों ने घर में घुसकर पीटा, पुलिस ने नहीं लिखी एफआईआर। कानपुर में 48 घंटे से तेंदुए की दहशत, 2 शावकों के साथ कर रही शिकार। शामली में कार और टेम्पो में आमने सामने से टक्कर, महिला सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, कार से हाईवे पर लूटपाट करते थे 2 बदमाशों को लगी गोली। कन्नौज में फूड पॉइजनिंग से 24 घंटे में 3 की मौत, 1 दिन पहले खाई थी पूरी सब्जी, आधा दर्जन लोग हुए बीमार। गौतम बुद्ध नगर के शारदा यूनिवर्सिटी की छात्रा ने की आत्महत्या, हॉस्टल के कमरे में लगाई फांसी, पुलिस जांच में जुटी। मायावती ने 30 जून को बुलाई बड़ी बैठक, मिशन 2024 से पहले बीएसपी कई नेताओं पर गिर सकती है गाज। मथुरा में रेलवे पुल में फंसा टैंकर, टकराने से रेलवे की गाटर पुल हुआ क्षतिग्रस्त। एएमयू में चाकू चलाने वाला छात्र निलंबित, लाइब्रेरी में शोर मचाने से रोकने पर छात्र पर किया था हमला। अयोध्या पहुंचे नगर विकास ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, कहा पहली बार भारत में हो रहा ओलंपियाड प्रतियोगिता। फिरोजाबाद ओटीएस योजना में 16.60 करोड़ की वसूली, जिले भर में अभी भी 522 करोड़ रुपए से अधिक के बिल बकाया। चित्रकूट के मानिकपुर सीएचसी में किशोरी की मौत, परिजनों का आरोप बेटी की सांसें उखड़ रही थी, नहीं दिया ऑक्सीजन। मुजफ्फरनगर में गैस पाइपलाइन की प्रेशर मशीन फटी, 1 की मौत, भोपाल रोड पर देर रात हुआ हादसा। लखनऊ में युवती ने युवक पर ब्लेड से किया हमला, पति के पीटने से नाराज थी, खुद के हाथ को भी काटा। ललितपुर में गला काटने का वीडियो वायरल, उधार में दिए थे 15,000, नहीं मिला तो ब्लेड से खुद के गले पर किए 2 बार वार। अलीगढ़ में डबल मर्डर, नाली के विवाद में पति पत्नी को पीट पीट कर मौत की घाट उतारा, परिवार के 3 सदस्य भी घायल। आगरा में महिला ने 4 बच्चों को दिया जन्म, ऑटो ड्राइवर पिता के पहले से ही है 3 बेटियां, डॉक्टर ने ली परवरिश की जिम्मेदारी।
कानपुर में खाते से 95 लाख उड़ाने वाले दो अरेस्ट। कारोबारी का फर्जी आधार, पासबुक और चेकबुक जारी कराकर उड़ाई रकम। अलीगढ़ में मुस्लिम शिक्षक को अधिकारी का तिलक करना पड़ा भारी। कुछ कट्टरपंथी शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर लिखे अपशब्द। हरदोई में ब्लॉक प्रमुख सहित करीब आधा दर्जन लोगों पर मारपीट करने का आरोप। एसपी बोले जांच कर मुकदमा किया जाएगा दर्ज। मुरादाबाद में वन विभाग की छापेमारी में दो लकड़ी तस्कर गिरफ्तार। 20 लाख रुपए कीमत की खैर की लकड़ी बरामद। बहराइच में भुगतान न मिलने पर किसानों ने प्रदर्शन कर डीएम को सौंपा ज्ञापन। धरना प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। देवरिया में शराब पीने के विवाद में गला रेत कर हत्या। घर में पत्नी इंतजार करती रह गई, आई पति की मौत की खबर। जावेद का घर ढाए जाने का मामला, हाई कोर्ट ने यूपी सरकार और पीडीएस से 24 घंटे में जवाब तलब किया। सांसद ने रहुआ बोले अखिलेश जीते तो ईवीएम ठीक वरना खराब। आजमगढ़ जीतने के बाद पहुंचे थे सीएम आवास। संभल जिला अस्पताल में लगी आग, चौथी मंजिल अचानक जलने लगी। पलंग गद्दे वेंटिलेटर जलकर हुए राख। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर में दुकान से चोरी का वीडियो वायरल। एक एक कर गाड़ी में लाद कर ले गए नमक की 10 बोरियां। मेरठ में नरेश टिकैत की धमकी, जिन्ना लोगों को आग लगा देंगे। बोले विकास दुबे जैसा परिवार नहीं बनेगा टिकैत खानदान। प्रयागराज में रास्ते के विवाद में चले लाठी डंडे। एक पक्ष ने रास्ते पर बना लिया था मकान, दोनों पक्षों के 8 लोग गिरफ्तार। उन्नाव में सरकारी अस्पताल में मरीजों को करना पड़ता है इंतजार, बाहर से खरीदनी पड़ती है दवा। इटावा में पुलिस और भाजपा नेता के घर चोरी। भाजपा मंडल अध्यक्ष कांस्टेबल के यहां से 31 लाख का सामान ले गए। फतेहपुर में पुलिस हिरासत से आरोपी लड़की लेकर फरार। दो महिला सिपाही सहित 11 लोग पर मुकदमा दर्ज। चंदौली में पुलिस की गिरफ्तारी से दूर, दो हत्यारोपी पुलिस पर हीला हवाली करने का आरोप। आगरा में जानवर की वफादारी और प्यार का वीडियो वायरल। घर छोड़ जा रहा था परिवार, रिक्शा के पीछे 5 किलोमीटर दौड़ा मोहल्ले का डॉक्टर। गोंडा जिला अस्पताल में रुपए लेकर ट्रांसफर करने का आरोप, 40,000 में होता है खेल। जालौन देर रात में लगी भीषण आग, 3 दुकानें जलकर हुई राख। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। और अयोध्या में राजधानी एक्सप्रेस का इंतजार फेल, 1 घंटे खड़ी रही ट्रेन। मालगाड़ी का इंतजार लगातार किया गया रवाना। बिजनौर में सड़क हादसे में एक की मौत, बाइक से अपने घर जा रहा था, अज्ञात वाहन कुचल कर हुआ फरार। बरेली में युवक का अपहरण, सीसीटीवी फुटेज में कैद, चौकी के सामने चलती कार से कूद कर बचाई थी जान। गाजियाबाद में मंगोलिया से वापस आए बुद्ध के 4 अवशेष। 1898 में बिहार में मिले अवशेषों को कपिलवस्तु नाम से जानते हैं। बागपत में खेकड़ा कोतवाली में हुई 52 वाहनों की नीलामी, 4.57 लाख की हुई नीलामी। बोली में 33 कारोबारियों ने लिया हिस्सा। बलरामपुर में नेपाल की 2 नाबालिग बहनों से गैंगरेप, 4 लड़के जंगल में घसीट कर ले गए, फिर दरिंदगी की, सामान खरीदने आई थी लड़कियां। बाराबंकी में करोड़ों का फ्रॉड, पैसे जमा करवाने के नाम पर हजारों लोगों के साथ हुई ठगी, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। सीतापुर में झोलाछाप, डॉक्टर के इलाज से युवक की मौत, खेत में साइकिल से गिरने से हुआ था घायल। कानपुर देहात में सड़क हादसे में दरोगा की मौत, तेज रफ्तार कार बाइक पर मारी टक्कर। यूपी में 4 डेटा पार्क को मंजूरी, कैबिनेट मीटिंग में लगी मुहर, 15,000 करोड़ की लागत। अग्निपथ योजना में उपद्रव का मास्टरमाइंड निकला, सेना का जवान पंजाब में लांस नायक के पद पर था तैनात। महाराजगंज में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, गांव में गिरी बिजली।
पीलीभीत में वरुण गांधी ने शिक्षा मित्रों को लेकर सरकार को घेरा, कहा कम वेतन में भी बच्चों का भविष्य संवारते हैं शिक्षा मित्र। बाराबंकी में शव उठा ले गई पुलिस, 5 दिन पहले मारपीट के बाद हुई मौत, पति बोली पुलिस मामला दबा रही। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट पर पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बोले सिद्धांतों से समझौता करने पर यही होता है श्रेय। मुरादाबाद में पुलिस एनकाउंटर में गोतस्कर को लगी गोली, काठ रोड पर अगवानपुर पुल के नीचे हुई पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। रायबरेली में 102 एम्बुलेंस का फर्जीवाड़ा, 3 महीने में गर्भवतियों को घर पहुंचाने की 29,664 ट्रिप दिखाई। हापुड़ में एसपी ने 13 दरोगा बदले, 7 चौकी इंचार्ज और 4 एसएसआई शामिल, दीपक भूकट ने कहा जनता को न्याय दिलाना पहली प्राथमिकता। बांदा में पहल पानी की समस्या को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम, जल संस्थान के कर्मचारियों ने 1 माह बीत जाने के बाद भी नहीं कर सके जलापूर्ति। हमीरपुर में नगर पालिका और जल संस्थान के खिलाफ समाज सेवियों और स्थानीय लोगों ने खोला मोर्चा, लोगों ने किया अनशन। मुरादाबाद में मरीज के इलाज के दौरान भिड़े 2 डॉक्टर, मारपीट की घटना हुई कैमरे में कैद। कानपुर हिंसा में कोर्ट ने दी पहली जमानत, पोस्टर छापने वाले शंकर लाल रहमानी को कोर्ट से मिली जमानत। सुल्तानपुर में शिव मंदिर का चबूतरा तोड़ा, आक्रोश, NH-30A के चौरीकरण में मंदिर बन रहा था तोड़ा। सिद्धार्थनगर में डीएम ने पोषण वाटिका बनाने का दिया निर्देश, 10 दिन के अंदर शेष शौचालय बनाने का दिया निर्देश। बुलंदशहर में करंट की चपेट में आया लाइनमैन, शटडाउन के बाद भी लाइन में आया करंट, हेल्पर ने बचाई जान। मुरादाबाद से शिव सैनिक जाएंगे मुंबई, जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा बोले मातोश्री के निर्देश पर मुंबई का सड़कों पर करेंगे संघर्ष। हरदोई में बाढ़ से निपटने की तैयारियां पूरी की जाए, डीएम अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। पिछहत्तर जिले की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।